रामतपाड़ा के मंच पर मौजूद शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के शेर जनाब अख्तौल ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे विधायक माजिद आलम साहब, वो जिला के अध्यक्ष हैबर बाबा साहब, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद असलम साहब, युवा प्रदेश के अध्यक्ष आदिल हसन साहब, वो इंजीनियर आफ्ताब साहब, वो दूर दराज से आए हुए MIM के सभी साथी, वो हमारी बुजुर्गों दोस्तों, जब 2015 में अवैसी साहब का कदम सीमांचल पे पड़ा था, रुईधासा के मैदान में जनसभा हुआ था, बारिश का जमाना था और उस वक्त मैंने इनकी बातों को सुना तो उसी दिन से मैं इनका फैन हो गया। जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं कांग्रेस से एक बार नहीं दो दो बार चुनाव लड़ा हूं, चंद वोटों से मैं 2014 का चुनाव हार गया था, इसका मुझे कोई गम नहीं है, हार जीत तो होते रहता है। उसके बाद से ही जब जब इस मैदान में, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, मैंने तन मन धन से पार्टी का समर्थन दिया, इसकी गवाह आप लोग भी हैं। और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं कि आने वाला दिन में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें अख्तौल ईमान साहब को पूरी कोशिश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट भेजना की जरूरत है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, मुल्क का जो हालात है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अवैसी साहब एक अकेले पहले थे पार्लियामेंट में, शेर के तरह गरजते थे, पिछले बार दो हो गए और अब की बार तीन या चार अगर हो जाएंगे तो ये कितने मजबूत होंगे, नहीं तो क्या होगा। अगर आप अभी नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे, बहुत लोग से बात होती है वह कांग्रेस से अच्छा छे एक जन जीते की करबे, मैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, जब भारतीय जनता पार्टी पहले जंक्शन में था उस वक्त उसके सिर्फ दो MP हुआ करते थे और आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक शेर जब पार्लियामेंट में गरजते हैं अवैसी साहब, तो नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, सबका पसीना उतर जाता है, मुंह की बोली बंद हो जाता है। और एक शेर को हम लोग बिहार से अगर दिल्ली भेज दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके सीमांचल के जो मसाइल है, आपकी आवाज बनकर वो पार्लियामेंट में गरजेंगे। अगर आप इस बार चूक गए, हम लोग बट गए, तो क्या होगा, बाबनेर गोरु खुदा रखवाल वाले हाल हो जाएगा, आपके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए भाइयों, आपको सोच समझकर फैसला लेना है। अख्तर साहब जैसे शेर को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरे दुनिया कहती है। अख्तर साहब को दूसरे पार्टी के MLA कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि काश इस तरह का आदमी हमारे पार्टी में होता तो आज हम लोग बहुत मजबूत होते, और मजबूत होते। तो सोच लीजिए अख्तर साहब के अंदर कितना गुण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूँ।